नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी इंटरनल हॉस्पिटल। आज मैं आप लोगों से एपिलेप्सी या मिर्गी रोग के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। एपिलेप्सी या मिर्गी रोग ये बहुत पुरानी बीमारी, लोग हम जानते आए हैं, सालों से जो है लोग इसको ऊपर की बीमारी या फिर दिमागी कमजोरी का लक्षण समझते हैं। ये भी अन्य बीमारियों की तरह एक बीमारी है जिसमें ये जो दिमाग के न्यूरॉन्स होते हैं, दिमाग के सेल होते हैं, उनकी जो एक्टिविटी है वो बाधित हो जाती है या फिर वो बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स जो है वो बहुत ज्यादा डिस्चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से जो है मरीज को मिर्गी के दौरे के लक्षण आते हैं। मिर्गी के दौरे के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? आमतौर पर हमने देखा है कि मिर्गी के दौरे में मरीज का शरीर अकड़ जाता है, उसके हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, आंखें एक जगह ठहर जाती है, दांत भिज जाते हैं, मुंह से झाग आते हैं, उसकी जीभ कट जाती है और कई बार उसके पेशाब या मल जो है वो अपने आप निकल जाता है। ये एक लक्षण है, एक तरीके का दौरा है जो कि मिर्गी के रोग में होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे अचानक से मरीज का गुम हो जाना, किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं देना, या फिर जो है गर्दन एक तरफ अकड़ जाना और चेहरे पे कुछ अजीब सी क्रिया होना, ट्विचिंग जैसे जिसको हम बोलते हैं, चेहरे के मांसपेशियों की ट्विचिंग। इसके अलावा आंखें फड़फड़ाना या जीभ लपलपाना, ये सब भी हो सकता है। कई बार मरीज जो है एक ही एक एक्टिविटी को बार बार करता जाता है, वो भी दौरे के लक्षण हो सकते हैं। ये दौरा कुछ सेकंड्स, करीब 30-35 सेकंड से लेकर कुछ मिनट, 1-2 मिनट तक रह सकते हैं, जो दौरे का टाइम है। ये दौरे कितने तरीके के होते हैं, जैसे मैंने पहली बार बताया, जिसको हम सब लोग जानते हैं, वो जनरलाइज सीजर है, जिसमें हाथ पैर अकड़ना और दांत भिज जाना, जीभ कट जाना, मुंह से झाग आना, ये होता है। इसके अलावा और तरीके के होते हैं, जैसे जो फोकल सीजर होते हैं, जिसमें सिर्फ एक हाथ या चेहरे की मांसपेशियों की फड़कन होती है। अगर वो उसमें मरीज रिस्पॉन्सिव रहता है और बेहोश नहीं होता तो उसको हम सिंपल पार्शियल सीजर कहते हैं, और अगर उसमें मरीज बेहोश रहता है तो उसको कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर कहते हैं। इसके अलावा एब्सेंट सीजर होता है, जिसमें मरीज कुछ सेकंड्स के लिए खो जाता है या फिर आंखें फड़फड़ाने लगता है, जैसा कि मैंने बताया। इसके अलावा भी और कई तरीके होते हैं, मायोक्लोनिक जर्क्स, जिसमें मरीज के हाथ पैरों में अचानक से झटके आते हैं। इसके अलावा जो है एटोनिक सीजर, जिसमें मरीज के पैरों की या हाथों की टोन जो वो एकदम कम हो जाती है और वो गिर जाता है। तो ये कुछ तरीके के दौरे हैं जो कि, पर हमको मरीज को जो दौरे हैं वो पहचानना आना चाहिए ताकि मरीज को हम प्रॉपर तरीके से मदद कर पाए। तो आमतौर पर मरीज को मदद की जरूरत उन्हीं दौरों में पड़ती है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, हाथ पैर अकड़ जाना और मुंह से झाग आना और ये सब। अब मिर्गी के दौरों का कारण क्या है, मिर्गी क्यों होती है? मिर्गी जेनेटिक रोग भी हो सकती है, किन्हीं किन्हीं मरीजों में फैमिली में रन करती है मिर्गी। इसके अलावा जो है कुछ और कारण होते हैं जिसकी वजह से मिर्गी हो सकती है, जैसे सर में चोट लगना, एक्सीडेंट से चोट हो सकती है, या फिर छोटे बच्चों को गर्भावस्था में अपनी माँ के पेट में किस तरह की चोट हो सकती है। इसके अलावा जो है दिमाग में कोई इन्फेक्शन होना हो जाना, जैसे दिमागी बुखार, मेनिनजाइटिस, एनकेफेलाइटिस, इनमें मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। इसके अलावा जो है स्ट्रोक होता है, यानी कि लकवे का दौरा जो आता है, जिसमें मरीज के हेमरेज हो जाता है या फिर खून के नस में रुकावट आ जाती है, उस वजह से भी जो है मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। इसके अलावा कीड़ों की गांठ होती है, जैसे ये टेप फॉर्म जो होते हैं, इनकी ये दिमाग में कीड़े की गांठ अगर बन जाए तो उससे दौरे आ सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर की वजह से दौरे आ सकते हैं। ये कुछ कारण है जिनसे मरीज को मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। इसके अलावा भी और कारण होता है, और जब हमको कारण पता नहीं चलता उसको हम बोलते हैं इडियोपैथिक एपिलेप्सी, यानी कि हमको उसका कारण पता नहीं है। फिर इसके अलावा कुछ और रिस्क फैक्टर है जो जिसकी वजह से मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। मिर्गी के दौरे जैसे छोटे बच्चों में और वृद्ध लोगों में ज्यादा आते हैं। वैसे मिर्गी के दौरे सभी किसी भी उम्र में आ सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में और वृद्ध लोगों में ज्यादा आते हैं। इसके अलावा जो शराब पीते हैं उन लोगों में रिस्क ज्यादा रहती है, धूम्रपान करने वालों में, डायबिटीज में अगर जो है शुगर कम हो जाती है, ब्लड शुगर कम हो जाती है मरीज की, तो दौरे आ सकते हैं। लीवर या किडनी की बीमारी हो
तो दौरे आ सकते हैं, अल्जाइमर्स की बीमारी को उसमें दौरे आ सकते हैं। तो ये कुछ कारण है जिनसे कि मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। अब मिर्गी का निदान कैसे हो? मिर्गी का निदान आमतौर पे जो है ये क्लिनिकल सिम्टम्स यानी कि जो मरीज के लक्षण होते हैं उसको देख के हम लोग करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज को मिर्गी का दौरा होता है, उसको मरीज को पता नहीं रहता है, लेकिन उसके साथ वाले भी जो है बहुत सारी चीजें नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो साथ वालों की जो साथ वाले जो लक्षण बताते हैं उनसे हम डायग्नोस करते हैं कि इसको मिर्गी या एपिलेप्सी का दौरा आया था। कई बार जो है कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं जैसे कि MRI या CT स्कैन दिमाग का, या फिर EEG जैसे दिल की ECG होती है, दिल की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विद्युतीय एक्टिविटी देखने के लिए ECG करवाई जाती है, उस तरह से दिमाग की विद्युतीय एक्टिविटी देखने के लिए हम EEG करते हैं, इलेक्ट्रोएनकेफेलोग्राम। तो उससे भी जो है मरीज में जो है मिर्गी के दौरे का निदान हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ खून के टेस्ट होते हैं जैसे कि CBC खून के कणों का जांच, इसके अलावा जो है लीवर और किडनी से संबंधित जो जांचें होती हैं वो, और इलेक्ट्रोलाइट से संबंधित जांचें होती हैं वो भी हम लोग करवाते हैं, जिनसे हमको अंदाजा लगता है कि मरीज को मिर्गी रोग है। और फिर मिर्गी रोग का निदान हो गया, उसके बाद उपचार क्या है? तो उपचार जो है आमतौर पर हम लोग दवाइयों से उपचार करते हैं। तो मिर्गी का जो मेन स्टेप है, जो ट्रीटमेंट का जो मुख्य जो ट्रीटमेंट है वो दवाइयां ही है। बहुत तरीके की दवाइयां आती है, अलग अलग तरीके के दौरों में अलग अलग तरीके की दवाइयां जो है काम में आती है। इसलिए डॉक्टर का मरीज को किस तरीके का दौरा है ये जानना बहुत जरूरी है, जिसमें कि मरीज के रिश्तेदार उसके दोस्त ये मदद कर सकते हैं उस मिर्गी के दौरे का कारण का टाइप का प्रकार जानने में। तो उसके हिसाब से दवा दी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि मरीज को 2-3-4 दवा देने के बाद भी जो है मरीज के दौरे आते रहते हैं, तो उस कंडीशन में और भी कुछ चीजें हैं जो और भी कुछ उपचार के तरीके हैं, जैसे एक सर्जरी हम लोग कर सकते हैं, किसी किसी मरीज में सर्जरी हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा कीटोजेनिक डाइट है, डाइट में कुछ परिवर्तन करके जो है वो हम लोग उससे मिर्गी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा वेगस नर्व स्टिमुलेशन है, आजकल और भी नई नई टेक्निक्स आ रही हैं जिनसे कि हम लोग मिर्गी के दौरों का उपचार कर सकते हैं। एक चीज मिर्गी के दौरे रोगी के रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, मित्रों को ये जानने की जरूरत है कि स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है। स्टेटस एपिलेप्टिकस में अगर ये होता है कि मरीज को अगर लगातार 5 मिनट या उससे ज्यादा दौरे हैं तो स्टेटस एपिलेप्टिकस है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसके अलावा जो है अगर मरीज 5 मिनट तक होश में ना आए, छोटा दौरा आया लेकिन मरीज होश में नहीं आया और उससे पहले उसको फिर से दौरा आ गया तो भी स्टेटस एपिलेप्टिकस है। ऐसी कंडीशन में मरीज को तुरंत लेके आना है हॉस्पिटल, सबसे नजदीकी अस्पताल लेके जाना है ताकि जो है उसका उपचार शुरू हो सके। स्टेटस एपिलेप्टिकस के अलावा कुछ और है। अच्छा, अगर किसी मरीज को मिर्गी का दौरा आता है तो उस दौरान उसके साथ वाले क्या करें क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स इन एपिलेप्सी, ये जानना भी बहुत जरूरी है। जब मरीज को मिर्गी का दौरा आता है तो उसके आसपास भीड़ ना करें, उसके कपड़े ढीले कर दें, उसके मुंह के दांतों के बीच में कुछ भी कुछ लकड़ी या कोई चम्मच या डालने की कोशिश ना करें, उसके हाथ पर जोर से पकड़ने की कोशिश ना करें। बस इतना ध्यान रखें कि आसपास कोई ऐसी चीज ना हो जिससे कि उसको चोट लग सके, जैसे कोई अंगीठी हो या कोई नुकीली चीज हो वो हटा लें। और ये ध्यान रखें अगर मरीज पलंग पर है तो वो गिर ना जाए, तो बस इतना ही अपने को ध्यान रखना है। उसके कपड़े थोड़े से ढीले करने हैं, उसको प्याज चप्पल या कुछ भी मेटल सुंघाने की या उसके आसपास आने की कोशिश ना करें, और अगर मरीज को 5 मिनट से ज्यादा दौरे आ रहे हैं तो उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाए। जब मरीज को दौरे आ रहे हैं या वो बेहोश है तो उस वक्त उसको कुछ भी खिलाने या पिलाने की कोशिश ना करें। तो मिर्गी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जैसे कि ये दिमागी कमजोरी है, ये कोई ऊपर की बीमारी है, हमने शुरू में भी ये कहा, या फिर जो है ये मरीज दिमागी तौर पे कमजोर होते हैं, नॉर्मल जिंदगी जीने के लायक नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल और बीमारियों की तरह बीमारी है जिसका कि उपचार संभव है। एक और बात मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा विमेन विद एपिलेप्सी के बारे में, यानी कि औरतें जिनको कि मिर्गी का रोग है, उनको मिर्गी के दौरे आते हैं। अक्सर लोग जो है जब इन लड़कियों की शादी होती है तो उनके घर वाले
ये बात छुपाते हैं कि उसको मिर्गी का रोग है। वो क्यों? क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा है, एक समाज में डर है, भ्रांति है कि ये लोग जो है ठीक नहीं होते हैं, ये लोग जो है इस समाज में भ्रम है कि ये लोग नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जिन औरतों को मिर्गी का रोग होता है वो और अन्य औरतों की तरह ही अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकती है, वह नॉर्मल शादीशुदा जिंदगी जी सकती है, उनके बच्चे भी हो सकते हैं, प्रॉपर तरीके से अगर हम उनको मैनेज करें तो उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है अपनी शादीशुदा जिंदगी जीने में। इसके अलावा वो इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं है, अपना घर का काम सारा कर सकती हैं, और अगर बाहर कहीं करती हैं तो वो भी कर सकती हैं, जो कोई जॉब करती हैं तो वो भी कंटिन्यू कर सकती है, उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि उसको जॉब नहीं करना चाहिए या कुछ इस तरह का हो। इतना इन सब बातों के साथ मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि मिर्गी भी एक रोग है, एक मेडिकल इलनेस है, जैसे और रोग होते हैं इसका इलाज संभव है। मिर्गी का रोगी एक नॉर्मल डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। इसमें एक चीज मैं लास्ट में और बहुत जोर से मैं ये रखना चाहूंगा कि मिर्गी का रोगी जो है वो प्रॉपर उपचार लेता रहे, दवाई बिना डॉक्टर के बताए ना छोड़े, क्योंकि मिर्गी का उपचार लंबा होता है, इसलिए लोग थोड़ा सा परेशान होकर दवाइयां अपने आप छोड़ देते हैं। जब तक डॉक्टर कहे दवाइयां लेनी है, और जब तक डॉक्टर उनको बंद करने की सलाह ना दे तब तक दवाई बंद ना करे, ये जानने के लिए उनके लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।